हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज सर और आज एक बार फिर से मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईओएस के बारे में। बहुत सारे बच्चों के मेल्स आते हैं, मैसेजेस करते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर क्या है एनआईओएस, कैसे एडमिशन ले सकते हैं एनआईओएस में। आज इन सारे सवालों के जवाब आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, पहला सवाल है क्या है एनआईओएस। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल यानी एनआईओएस की शुरुआत 1989 में हुई थी और आज पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में इसकी ब्रांचेस है। यानी आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे दसवीं और बारहवीं और इसके अलावा दूसरे कोर्स जो एनआईओएस देता है, करवाता है, आप उन कोर्सेज को कर सकते हैं। दूसरा सवाल है कौन ले सकता है एडमिशन। देखिए, अगर आप दसवीं के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम नौवीं पास होना जरूरी है, जिसकी टीसी के इसमें लगेगी। अगर आप नौवीं पास नहीं है तो नौवीं फेल की टीसी वन आपके पास हो या आठवीं पास की टीसी आपके पास हो तो आप दसवीं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक खास बात ध्यान रखिएगा, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आप लड़की हैं तो लड़कियों के लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया है। दिल्ली में जो रहती है, जिनका जन्म दिल्ली में हुआ है, कि उनका सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट लगाकर ही दसवीं में एडमिशन एनआईओएस में लिया जा सकता है। अगर आप बारहवीं में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको दसवीं की मार्कशीट की जरूरत होगी। वो किसी भी बोर्ड की हो सकती है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई हो या फिर एनआईओएस से ही आपने दसवीं किया हो। अगर आपने दसवीं जिस साल में किया है और उसी साल में आप एडमिशन ट्वेल्थ में लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वैसे एनआईओएस में एक साल का गैप चाहिए होता है, क्योंकि इलेवंथ तो होती नहीं है, तो इवन आप या तो एक साल वेट करके उसमें एक साल का गैप देकर बारहवीं कर सकते हैं या दसवीं के फौरन बाद आप बारहवीं में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। अगर आप दसवीं के बाद गैप देते हैं साल का और बारहवीं करते हैं उससे अगले साल, तो इसमें आपका पेपर बारहवीं का उसी साल में हो जाएगा। यानी मान लीजिए मैंने 2010 में दसवीं क्लियर की तो 2011 में मैंने कहीं एडमिशन नहीं लिया और मैं घर पे रहा, कुछ और एक्टिविटी की मैंने। 2012 में जब मैंने ट्वेल्थ में एडमिशन लिया तो मेरा 2013 में एग्जाम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं जिस ईयर में यानी 2010 में मैंने टेंथ क्लियर किया है और इसी साल अगर मैं एडमिशन लेना चाहूं ट्वेल्थ में तो भी एडमिशन हो जाएगा, लेकिन इस बार आपकी ट्वेल्थ दो साल की होगी, क्योंकि पांच पेपर होते हैं तो शुरू के दो या तीन पेपर आप पहले साल दे सकते हैं, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद बचे हुए पेपर आप उससे अगले साल दे सकते हैं। तो इसलिए इस तरीके से बारहवीं आपकी दो साल की हो जाएगी। एडमिशन करना बहुत आसान है, इवन आप घर पर बैठकर एडमिशन कर सकते हैं। ऑनलाइन आजकल सारा प्रोसेस है, पहले बुक्स और आई कार्ड पोस्ट के जरिए आता था, लेकिन अब कुछ नया क्राइटेरिया है। आई कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन और बुक्स आज भी पोस्ट के जरिए आती हैं। बुक्स आने में थोड़ा टाइम लगता है तो आप बुक्स को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं एनआईओएस की वेबसाइट से। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे स्टडी मटेरियल एनआईओएस से जुड़ा हुआ मौजूद है, वो भी आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है आगे चलकर कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो देखिए, आगे चलकर एक जमाना था जब हम ये सोचते थे कि ओपन बोर्ड बहुत ज्यादा मतलब निचले स्तर का बोर्ड होता है और उससे पढ़ना ठीक नहीं है। हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार अक्सर इस बोर्ड को शक की निगाहों से देखते थे, लेकिन आज के दौर में ओपन बोर्ड एक बहुत अच्छा बोर्ड बन चुका है और हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये सीबीएसई की बराबरी कर रहा है, क्योंकि दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इवन ओपन बोर्ड मुझे ज्यादा बेटर लगता है कि घर बैठकर आप स्टडी कर सकते हैं, साथ ही साथ किसी और चीज की तैयारी या किसी और चीज की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। ओपन से बारहवीं करने के बाद कोई कॉलेज ऐसा नहीं है जो आपको एडमिशन देने से मना कर दे। यहां तक कि अभी पिछले साल नीट का एग्जाम भी अगर आपने साइंस साइड ओपन से की है तो वो भी आप दे सकते हैं। अब कितना बड़ा एग्जाम नीट का आप जानते हैं होता है, अब उसके लिए अगर ओपन वालों के लिए वेलकम है तो आप सोच सकते हैं ओपन की क्या वैल्यू है। तो बेफिक्र होकर आप ओपन से दसवीं बारहवीं कर सकते हैं, इसकी पूरी पूरी मान्यता है। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे कॉलेजेस खुलकर स्वागत करते हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो मना तो डायरेक्टली नहीं करते हैं कि आपने ओपन से ट्वेल्थ किया है मैं आपको एडमिशन नहीं दूंगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है। जैसे कुछ कॉलेजेस है तो वो क्या करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम रखते हैं ओपन वाले बच्चों के लिए और दूसरे बोर्ड्स के डायरेक्ट एडमिशन हो जाते हैं। तो ये कुछ में ही है, ज्यादातर में नहीं है, तो इसलिए ओपन से पढ़ने में कोई खराबी नहीं है। आप तसल्ली से उन लाखों लोगों की तरह जो ओपन से हर साल एडमिशन लेते हैं, आप भी उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगला सवाल है एडमिशन कब होता है। देखिए, इसके एडमिशन अगर मैं बात करूं तो 12 महीने चलते रहते हैं, तो दो तरह से एडमिशन होते हैं। पहले तरह ये है कि इसके दो सेशन होते हैं, एक इसका नवंबर में एग्जाम होता है और एक अप्रैल में होता है, साल के शुरू में जो अप्रैल आता है। तो अप्रैल या अक्टूबर नवंबर किसी के लिए भी आप अक्टूबर नवंबर जो सेशन है किसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन छह महीने के गैप में होने वाले एग्जाम्स में किसी में भी आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा जल्दी है, आपको 15 से 20 दिन के अंदर ही पेपर देना है, आपको लगता है मुझे थोड़ा वक्त कम है, मैं अभी अक्टूबर दूर है और ये जुलाई चल रहा है, अप्रैल निकल चुका है और अक्टूबर नवंबर के लिए फॉर्म भरूंगा, इतना लंबा कौन इंतजार करे, तो आप ऑन डिमांड भी भर सकते हैं। उसकी थोड़ी फीस ज्यादा होगी, लेकिन आप घर बैठे उसको ऑनलाइन भर सकते हैं या किसी भी जानकार से उसको
उसको भरवा सकते हैं और इसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर आपका जो है पेपर हो जाएगा। अब ऑन डिमांड में और नॉर्मल वाले में क्या फर्क है? देखिए, नॉर्मल जो आप एडमिशन लेते हैं उसका एक टाइम फिक्स होता है, यानी या तो अप्रैल में उसका एग्जाम होगा या फिर अक्टूबर नवंबर सेशन में होगा। और इसका जो पेपर होता है आपके घर के 10 से 15 किलोमीटर के बीच एक सेंटर पड़ता है, जिसकी जानकारी आपको 10 से 15 दिन पहले इंटरनेट पर दी जाती है, उस सेंटर पर आपके पेपर होते हैं। लेकिन ऑन डिमांड में कोई सेंटर नहीं पड़ता है, आपको अपने शहर के हेडक्वार्टर जाकर, हेड ऑफिस जाकर एनआईएस के वहां पर पेपर देना पड़ेगा। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में ज्यादातर बच्चे जो ऑन डिमांड भरते हैं तो उनका कोई सेंटर नहीं पड़ता, उनको नोएडा सेक्टर 62 जाना पड़ता है। इसी तरीके से आपका शहर पंजाब है, गुजरात है, हरियाणा है, तो डिपेंड करता है कि आप कहां से एडमिशन लेते हैं। याद रखिए, आपका आधार कार्ड जहां जिस राज्य का बना हुआ है, जिस स्टेट का बना हुआ उसमें एड्रेस है, उसी स्टेट में आपका सेंटर जाएगा और वहीं पर आपका स्टडी सेंटर होगा। तो अगर आप रहते दिल्ली में हैं, आपके पास आधार कार्ड हरियाणा का था, तो या तो आप उसको एड्रेस चेंज करा लीजिए या फिर आप एडमिशन ले लीजिए। पेपरों के टाइम आप थोड़े दिनों के लिए हरियाणा चले जाइएगा अपने रिश्तेदार वगैरह के यहाँ और वहां से फिर से आकर आप अपना दिल्ली में सेटल हो सकते। अब देखिए, एक सवाल यहाँ पर है, सीबीएसई एनआईएस कौन सा बेटर है? तो देखिए, दोनों ही बोर्ड अपनी अपनी वैल्यू रखते हैं, मैं किसी को कम तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि दोनों की मोस्टली बराबर की मान्यता है। बस फर्क इतना होता है, सीबीएसई में हमें रेगुलर स्कूल जाना होता है, हमें टाइम टू टाइम होमवर्क मिलता है, जबकि ओपन में आपको संडे टू संडे आपके स्टडी सेंटर पर क्लासेस लगती है, वो भी आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल देने, फाइल जमा करने और असाइनमेंट्स के लिए आपको अपने स्टडी सेंटर चक्कर लगाना होगा और जाना होगा, जिसकी जानकारी आपको ऑनलाइन मिलती रहेगी। अगला सवाल है कि कौन सी स्ट्रीम मिलती है? देखिए, सबसे पहले मैं मार्क्स की बात बताऊं आपको। मार्क्स बनाना बहुत आसान होता है ओपन में, क्योंकि एक तो असाइनमेंट होते हैं, प्रैक्टिकल होता है, इन सब के नंबर जुड़कर मिलते हैं तो अच्छे खासे परसेंटेज बन जाती है। तो कौन सी स्ट्रीम लेंगे? देखिए, सीबीएसई में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि 10वीं के मार्क्स पर डिपेंड करता है कि आपको 11वीं में साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम मिलेगी। और किसी का दिल मान लीजिए साइंस लेने का होता है तो वो सीबीएसई से कम मार्क्स के बिहा पे साइंस नहीं ले सकता है, फिर उसको आर्ट्स या कॉमर्स दी जाती है, या कॉमर्स का दिल है तो उसे कॉमर्स नहीं मिलती है। लेकिन ओपन से आप डायरेक्टली साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम कर सकते हैं, आपको बस 10वीं पास होना जरूरी है, मार्क्स इतने मान्यता नहीं रखते हैं। आप 12वीं में अगर ओपन से एडमिशन लेते हैं तो आपको साइंस भी मिल सकती है, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप आर्ट्स चूज कर सकते हैं, या आपको कॉमर्स में जाना है तो आप कॉमर्स भी चूज कर सकते हैं। देखिए, एनआईएस में 10वीं व 12वीं पास करने के लिए आपको कम से कम 5 सब्जेक्ट क्लियर करने होते हैं। नॉर्मली हम सब जानते हैं टॉप 5 जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इस 5 सब्जेक्ट के अलावा भी आप 2 एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, यानी मान लीजिए आप 6 भी ले सकते हैं और 7 भी, मैक्सिमम 7 से ज्यादा नहीं ले सकते। तो आपने 6 लिए हो या 7 लिए हो, लेकिन आपको पास 5 ही करने हैं। और ये 5 अब जब आप चूज करते हैं तो चूज करते टाइम आपको 2 लैंग्वेज चूज करनी होंगी, जिसमें से हिंदी, इंग्लिश बहुत ज्यादा बच्चे चूज करते हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो अपनी खुद की कोई लैंग्वेज जिसमें आपकी अच्छी कमांड हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो मलयालम हो, चाहे वो कन्नड़ हो, या कोई और भाषा आपके राज्य की हो, उसे भी आप चूज कर सकते हैं, लेकिन वो 2 ही लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने हिंदी और कन्नड़ चूज करी तो इंग्लिश छोड़नी होगी, और इंग्लिश और कन्नड़ चूज करी तो हिंदी छोड़नी होगी, तो कोई 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। 2 के अलावा 3 सब्जेक्ट हैं। अब बच्चों की बहुत सारी चॉइस रहती है सब्जेक्ट कौन से, तो मैथ्स भी हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके अलावा अकाउंट्स, इसके अलावा मास कम्युनिकेशन, पेंटिंग, कंप्यूटर, बहुत सारी लिस्ट होती है, उसमें से आप कोई 5 सब्जेक्ट मिनिमम चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो ज्यादा भी चूज कर सकते हैं। तो ये था एनआईएस के बारे में एक वीडियो, और एनआईएस के बारे में आपको काफी कुछ आज पता चल गया होगा। अगर आपके इसके अलावा भी कोई सवाल है जो मैं इस वीडियो में बताना भूल गया हूं, या आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जवाब 5 से 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा।